मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर शिव स्वरूप भगवान गोरक्षनाथ जी की पावन धरती पर मुरारी बापू का आगमन हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम तो हम सबकी सांस सांस में बसे हैं। भगवान राम के हम सभी भक्त हैं और भक्ति में ही शक्ति है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान राम के जीवन में प्रेरणा लेते हुए देश के निर्माण में योगदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर निर्माण कार्य का नाम लिए बिना कहा कि बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में गोरखपुर के चंपा देवी पार्क तारामंडल में आयोजित मुरारी बापू द्वारा राम कथा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कुछ दिन पहले मुरारी बापू की राम कथा मगहर में संपन्न हुई थी, जब यहां के श्रद्धालु गोरखपुर में मुरारी बापू की कथा कराने की अपील करते थे। सीएम ने कहा कि मुरारी बापू का भी संकल्प था कि उन्हें बाबा गोरखनाथ की धरती पर श्री राम कथा सुननी है और हम सभी भाग्यशाली हैं कि शारदीय नवरात्रि में हमको यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कथा प्रारंभ होने से पहले मैं यहां के मौसम को लेकर बहुत चिंतित था। इस बारे में मेरे द्वारा व्यवस्था में लगे लोगों से बात की गई थी। सीएम ने कहा कि फ्रांस में मुरारी बापू की श्री राम कथा के दौरान वहां पीएम नरेंद्र मोदी का भी जाना हुआ था। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अनुशासन और मर्यादा के साथ भगवान श्री राम की कथा सुनने की अपील की। घर घर तक पहुंचा
इस व्यासपीठ पर विराजमान है, मैं सबसे पहले शारदीय नवरात्र के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में उनका आगमन हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी हमारे गोरखपुर में हुआ है, मैं उनका आप सब की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बापू ने बड़ी कृपा की है, वे शारदीय नवरात्र के अवसर पर उन्होंने गोरखपुर को विशेष रूप से चयन करते हुए इस कथा के श्रवण का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालुओं को प्राप्त हो, आज से लगभग एक वर्ष पूर्व ही उनका यह संकल्प था और बहुत दिनों से पूज्य बापू इस बात को बोलते थे कि एक बार बाबा गोरखनाथ जी को मैं भगवान राम की इस कथा को सुनाना चाहता हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यह अवसर शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्राप्त हुआ है। तीन दिन पूर्व तक मैं स्वयं गोरखपुर के मौसम से चिंतित था और मैंने आयोजन समिति से जुड़े हुए पदाधिकारियों को स्वयं इस बारे में अपनी चिंता से भी अवगत कराया कि वास्तव में मौसम इतना विपरीत है और ये 15-16 दिन से लगातार विपरीत चल रहा है। बापू की कथा कैसे संभव होगी, लेकिन लगता है कि ईश्वर भी हम सब की परीक्षा ले रहा था। कल से यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बापू के आगमन के साथ ही मौसम भी अच्छा हो गया है। अब आगे की कथा भी इसी रूप में उनकी कृपा आप सब पर बरसेगी। हम सब जानते हैं कि भारत की पूरी परंपरा सनातन हिंदू धर्म की परंपरा भगवान विष्णु के जिन अवतारों पर विश्वास करती है, प्रभु श्री राम अवतारों की परंपरा में मर्यादा एक साक्षात आदर्श है। हम सबके जीवन में जीवन का वो हमारा कोई भी पक्ष हो, जब कभी भी और जहां कहीं भी हम सबके सामने कोई समस्या पैदा होती है तो भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए किसी न किसी प्रसंग से हम सबको प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि वास्तव में राम तो भारत के घर घर में और भारत के प्रत्येक नागरिक के श्वास श्वास में रमे हुए हैं। 1990 के दशक का प्रारंभ जब रामायण सीरियल रामायण धारावाहिक दूरदर्शन में प्रारंभ हुआ था, कितना लोकप्रिय हुआ था, ऐसे लगता था जैसे कि प्रत्येक भारतीय का अपने घर का कार्य हो रहा हो। राम के प्रति हम सब की सनातन आस्था और इस आस्था से उपजी भी जो भक्ति है, वह भक्ति ही भारत राष्ट्र की शक्ति बनी है और उसी शक्ति से उत्प्रोत करने के लिए पूज्य बनारी बापू का
गोरखपुर में आगमन हुआ है। अभी कुछ दिन पहले पूज्य बापू की कथा फ्रांस में थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उस कथा में विशेष रूप से गए। आप सोचिए कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी हैं, अप्रवासी भारतीय हैं, उनके लिए हार्दिक इच्छा होती है कि बापू का कुछ समय उन्हें मिले। गोरखपुर के हमारे श्रद्धालु सौभाग्यशाली हैं। कभी कुछ वर्ष पहले बापू की पावन कथा मगहर के पास संपन्न हुई थी और तब से लगातार कोई वर्ष ऐसा नहीं था जब गोरखपुर के श्रद्धालु जन इस बारे में आग्रह न करते रहे हो कि बापू की एक कथा गोरखपुर में भी होनी चाहिए। और मैं इस बात को कहता था कि देखिए संजोग आने दीजिए, कथा बापू की अपने आप गोरखपुर में आएगी और आज जो है सौभाग्य हम सब के सामने है जब बापू की कथा का श्रवण करने का आनंद आप सबको आज से लेकर के 13 अक्टूबर तक निरंतर प्राप्त होगा। मैं बहुत समय न लेकर के मैं आज के इस अवसर पर केवल यही कह सकता हूँ कि बापू उत्तर प्रदेश में पधारे हैं और उसमें भी गोरखपुर में पधारे हैं। मैं उनका आप सब श्रद्धालु जनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि गोरखपुर के श्रद्धालु जन पूरी मर्यादा के साथ, पूरे अनुशासन के साथ भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं से प्रेरणा प्राप्त करके न केवल अपने जीवन के लिए अपितु तो सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भी अपना योगदान देंगे। हम सब का विश्वास है कि भगवान राम की इसी शक्ति ने मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हम लोगों को बहुत अच्छी कुछ खबरें भी सुनने को प्राप्त होगी। आप सबको मैं शारदीय नवरात्र की भी और विजयादशमी की भी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए बापू का एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम।